हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूँ टेक गुरु जी के इस नए एपिसोड में। मेरा नाम है सुधीर पटेल। दोस्तों, इस एपिसोड में आपको मैं बताने वाला हूँ क्या रिलायंस जियो के प्लान को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। दोस्तों, काफ़ी कुछ वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है जिनका कहना है कि आप कुछ ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आप रिलायंस जियो के प्लान को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो क्या ट्रिक है वो भी हम आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये ट्रिक फेल भी है, आपको साथ में ये भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि क्या आप रिलायंस जियो के प्लान को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं। बताने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे टेक गुरुजी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से बहुत सारे वीडियोज़ लेके आता हूँ दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, रूमर्स ये फैला हुआ था कि अगर मैं रिलायंस के लाइफ मोबाइल को अगर परचेज़ करता हूँ तो मुझे जो 3 महीने की जो वैलिडिटी मिली, जो वेलकम ऑफर मिला हुआ है, वो मुझे 1 ईयर के लिए एक्सटेंडेड मिलेगा। दोस्तों, ये रूमर्स ये है क्योंकि मैंने रिलायंस डिजिटल स्टोर में विजिट करने के बाद मैंने उनके एग्जीक्यूटिव से बात की, क्या ऐसा कुछ ऑफर है कि अगर मैं लाइफ के मोबाइल को लेता हूँ तो मुझे जो 3 महीने की वैलिडिटी है वो 1 ईयर तक एक्सटेंड हो जाएगा। तो उनका कहना था कि सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक रूमर है। दोस्तों, अगर ये रूमर है तो ये क्या चीज़ें हैं जो मार्केट में चल रही है, कि यूट्यूब में काफ़ी कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जिनको उनका कहना है कि IMEI नंबर को अगर मैं चेंज करता हूँ तो वो 1 ईयर के लिए सेंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वो भी ट्रिक करके मैं बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। तो दोस्तों, जब मुझे मालूम पड़ा कि लाइव के मोबाइल पे ऐसा कुछ ऑफर्स है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं भी ये ट्रिक को यूज़ करके मैं अपने प्लान को एक्सटेंड करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको 1 बाय 1 एक स्टेप बताता हूँ जो कि फेल स्टेप है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें होता क्या है। ऐसा माना गया दोस्तों कि लाइफ मोबाइल पे एक्सटेंडेड वारंटी है जो 1 ईयर की है। तो दोस्तों, उसका जो IMEI नंबर रहेगा, वो नंबर को हमको अपने मोबाइल में डालना पड़ेगा। इससे दोस्तों हमारे मोबाइल का IMEI नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बताता हूँ। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका मोबाइल रूटेड रहना चाहिए। इसमें रूटेड होने के बाद आपको 2 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपके मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए। पहले एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों IMEI चेंजर और दूसरा है एक्सपोज्ड इंस्टॉलर। दोस्तों, ये एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आपको माय जियो इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके साथ जितने भी एप्लीकेशन हैं दोस्तों आपको सब इंस्टॉल करने पड़ेंगे। दोस्तों, जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपको सबसे पहले दोस्तों एक्सपोज्ड इंस्टॉलर पे क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ पे मॉड्यूल में जाना पड़ेगा और मॉड्यूल में जाने के बाद दोस्तों जो डिवाइस ID है उसको चेक इन करना पड़ेगा। चेक इन करने के बाद दोस्तों उसके बाद जो सेकेंड एप्लीकेशन जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, जो था IMEI चेंजर, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद दोस्तों जो लाइफ मोबाइल का IMEI नंबर रहेगा, वो नंबर को ये फ़ोन के IMEI के इस ऑप्शन पे डालना पड़ेगा। डालने के बाद दोस्तों उसको सेव करके आगे प्रोसीड करना है। दोस्तों, प्रोसीड करने के बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है और ये फेक है। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोज़ का ये कहना है कि ये 60% काम करता है, 40% काम करता है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ये फेक है, इसका कुछ काम नहीं करता। क्योंकि ऑलरेडी मेरी रिलायंस एग्जीक्यूटिव से मेरी बात हुई है, उनका कहना था कि सर लाइफ के मोबाइल पे ऐसी कोई वैलिडिटी उनके पास नहीं आई इन्फॉर्मेशन, और ये दोस्तों ये सब इन्फॉर्मेशन ये फेक है। तो दोस्तों, आप रिलायंस जियो के प्लान को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो प्लान है आपको, वो प्लान को रेंटल दे के फिर आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं है जिससे आप यूज़ करके अपने प्लान को एक्सटेंड कर सकते। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।